कौन है? यही लड़का है। कहाँ है? वहाँ देखो ना। ये जाओ वरना मार डालूंगी। मेरा भैया वहाँ खड़ा है। भैया वही लड़का है, वो देखो ना। अरे रे, आपके बाजू में खड़ा है ना। कैसा लग रहा है? दिखाती हूँ तुझे, वो टिंकू लड़का ही है। एक चप्पल से मारूंगी, जा यहाँ से, जा बोला ना यहाँ से। ये क्या? ए, स्कूल जाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं आइटम को देख रहा हूँ। क्या मुसीबत है? ए, कौन है रे तेरी आइटम? वो देखना उधर खड़ी है, कितने प्यार से मुझे देख रही है, वही है मेरी आइटम। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है रे तू? सातवीं में। वो कितवीं में पढ़ती है पता है क्या? आठवीं में। तुझे नहीं लगता वो तुझसे बड़ी है? हाथ हटाइए बॉस, सचिन तेंदुलकर की बीवी उससे 5 साल बड़ी है, तो उसने क्या शादी नहीं की? लव के अंदर हार्ट वेट ये सब नहीं देखा जाता, सिर्फ प्यार चाहिए प्यार। अबे इस उम्र में तुझे प्यार करना है? हाँ, आइटम चाहिए, प्यार करना है, रोमांस करना है, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? कौन है रे तू, मुझे क्यों मार रहा है? मैं उसका भाई हूँ। इसका मतलब तू मेरा साला है? इस उम्र में तुझे प्यार करना है, लव करना है। अरे अरे ए साले, बताऊंगा तुझे, तूने जीजा को हाथ लगाया है, कौन है मैं बताऊंगा। हाँ? अच्छा मजा चखाया। क्या ये इस लड़के के लिए तू मुझे यहाँ बुला कर लाई? तो चिंता मत कर, वो अब तेरा पीछा नहीं करेगा। देखो भैया वो फिर से आ गया। अबे भाग, तेरी तो देख लूंगा। इसका नाम तुलसी है। 15 साल की उम्र में इसने पैसे के लिए मर्डर करना शुरू कर दिया था। 20 साल की उम्र में दोस्ती के लिए मर्डर करना शुरू किया। अब इसने पद के लिए मर्डर करना शुरू कर दिया है। इसका नाम सागर है और ये तुलसी का राइट हैंड है। पुलिस रिकॉर्ड में तुलसी के खिलाफ 33 केस हैं। पॉलिटिकल पावर और पुलिस की सुरक्षा इसके साथ है, इसलिए इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। इस इलाके में जो भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, शंकर की मर्जी से ही होता है। लेकिन वो इलाके से शंकर की वाशाहत खत्म करके तुलसी के नाम का सिक्का जमाना चाहता है, यही उसका मकसद है। एक हेल्प मांग सकता हूँ आपसे? उधार के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। टाइम प्लीज। श्योर। इसमें तो बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। 8 o'clock। तुमसे किसी ने पूछा? आप देर लगा रहे थे इसलिए। 8:12। थैंक यू। ओके। लाइटर प्लीज। यू वांट लाइटर? या। प्लीज। मैं भी 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, कोई टेंशन नहीं है। सही कह रहे हैं सर, 8वीं तक पढ़ने वाले को कोई टेंशन नहीं होती है। चिपकू कहीं का।
सॉरी सर, टाइम प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपके जैसे नौजवानों की पंचुअलिटी की इंडिया को बहुत जरूरत है। 822 822 सब लोग आ जा रहे हैं लेकिन मेरी आइटम नहीं आ रही। ये क्या है? मेरी बगल वाला लड़कियों को देख नहीं रहा, बहुत शरीफ आदमी लग रहा है। लड़कियों के मामले में मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ सर। हाँ पता है, शरीफ है, चल हट कालू कहीं के। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें बुरा नहीं लगा? ओफो, क्या इंसान है। आज मेरी आइटम नहीं आएगी। अभी तक तो ठीक था, आप शर्मा नहीं क्यों लगा? इसीलिए शर्मा रहा था। घूर घूर के तो ऐसे देख रहा है जैसे आज ही शादी कर लेगा। सर सर, सब कुछ प्लान करके करता है, पढ़ा लिखा आदमी है ना। सर आप मुझे पढ़ा लिखा समझते हैं इसलिए थैंक्स। मैं तुझसे नहीं बोल रहा हूँ, ये पढ़ा लिखा इंसान है, तू नहीं। बाजू हट। कहाँ है रे तू? तू कहाँ है भाई? अगर फ्री है तो हम लोग फिल्म देखने चलते हैं क्या? कौन सी फिल्म? एक मिनट होल्ड कर, मैं देख के बताता हूँ। ये क्या फाइल के अंदर फिल्मों के फोटो लगा रखे हैं? ओके अच्छा सुन, गोपी किशन नाम की एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, वो देखने चलते हैं। कितनी बार देखेगा वो फिल्म? अबे उस फिल्म में हीरो ने हीरोइन को पटाने के बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स यूज किए हैं, अगर वो ट्रिक्स हम यूज करेंगे तो अपने को भी लड़की पटेगी। ठीक है मैं थिएटर पहुंचता हूं, तू टिकट कटवा के रख लेना। चलेगा, मंजूर है। एक्सक्यूज मी। यस। आप मेरा लाइटर नहीं देंगे? ओह शिट, सॉरी सर। हां हां, चालू नंबर वन लगता है ये। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सब क्यों सह रहा हूं? सिर्फ उसके लिए। मारो मत मुझे, छोड़ दो मुझे, मारो मत। तुलसी भाई को पता चल गया ना तो तुम लोग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तुलसी मेरे नीचे काम करता है और तू तुलसी के नीचे काम करता है और मुझे धोखा देता है। सागर आया है भाई। क्या? तुलसी भी आता ही होगा। आ तुलसी, आना। क्या बात है तुलसी? भाई इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, इन लोगों को छोड़ना मान। तुलसी तू कोई चिंता मत कर, तू मेरी पार्टी में शामिल हो जा। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है यहाँ पर? तेरी पार्टी में शामिल नहीं होना है एमएलए, तुलसी एमएलए। तू जिंदा रहेगा तो मैं कैसे बनूंगा? तुलसी, मुझे हनुमान मंदिर का तुलसी मत समझना, मैं इस इलाके का तुलसी हूँ। बॉडी को बराबर मार्क करो। ए, फोटो इधर निकालने का नहीं, बाहर जाओ, बाहर जाओ, फोटो खींचना, चलो। अरे कहाँ जाना है? चलो। एविडेंस मिला क्या? पॉकेट में देख। सर ये क्या ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? बाहर कितनी भीड़ है, हटा नहीं सकते? सर मरने वाला आदमी एमएलए, इसलिए क्राउड ज्यादा हो गया, प्रेस वाले भी बिना पूछे अंदर आ गए। सर अभी तक क्या डिटेल मिली है? मरने वाले 5 लोग हैं और सबका गला काट कर मारा गया, इंक्लूडिंग एमएलए सर,
और उसमें एक तुलसी का आदमी भी है सर। ये तुलसी कौन है? उसके ऊपर मर्डर, डकैती, रेप के कुल 33 केस पेंडिंग में है सर। दरअसल उसके नाम एनकाउंटर भी निकला था सर, लेकिन इसी एमएलए ने उसे बचा लिया था सर। तुम्हें किसी पर डाउट है क्या? वो तो मुझे तुलसी के ऊपर ही है। वो अपने ही आदमी को क्यों मारेगा? वो ऐसा कर सकता है सर। सर वो तुलसी बहुत ही डेंजर आदमी है, उसे थोड़ा संभल के रहिए। ये वर्दी उतारकर वॉचमैन बन जा, पुलिस वाला होकर उसके सपोर्ट में बात करता है। पुलिस बनने के लिए गट्स चाहिए। बॉडी का पंचनामा करो, तुलसी को मैं देखता हूँ। यस सर। ए चलो मेरे साथ। ए कुमार, ये एसीपी इतना गुस्से में क्यों आ रहा है? आने दे उसको। यार एसीपी इधर क्यों आया? शंकर से मिलना है। बाहर की दुनिया से मन भर गया क्या? भाई का नाम लेकर पुकार रहा है। क्या रे एसीपी, बाहर से बहुत कुछ बोलता हुआ आ रहा था। नमस्ते सर। तुलसी किधर है? किधर है तुलसी? ओ सर, जरा आवाज नीचे करके बात करो भाई, इसकी जुबान बहुत चल रही है। नया एसीपी तू ही है क्या? ए तुलसी चल मेरे साथ। तुझे ट्रांसफर ऑर्डर देखने के बाद पता चलता है कि तुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे एक साल पहले ही पता चल जाता है कि कौन यहाँ आने वाला है और कौन यहाँ से जाने वाला है। क्या समझा? एमएलए कुमार का तू मुझे भी धमकी देकर डराना चाहता है क्या? मुझे क्या तू ऐरा गहरा समझता है जो तेरी धमकी से डर कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा? असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तुझे मैं अंदर करके ही रहूंगा। ऐसी भी अपना आदमी है, हैं? समझाऊंगा तो समझ जाएगा। पकड़, बात कर, किसी मंत्री का नहीं है, चल पकड़। ए जी, इन चार गुंडों ने मुझे और अपने बच्चे को नैना, अब जल्दी से यहाँ आकर अपने बच्चों को मुझे बचा लीजिए। क्या बोल रही हो तुम? बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तुलसी खेल मत खेल, ये तेरे लिए महंगा पड़ेगा तुलसी, समझा? एक बात सुन एसीपी, अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा बात करता रहना चाहता है ना, लेकिन वो तब तक बात करेंगे जब तक मैं चाहूंगा। तू गलती पे गलती किए जा रहा है तुलसी, डिपार्टमेंट तुझे छोड़ेगा नहीं। चल जा रहे, मुझे कानून नहीं पता है क्या? मैं तुझे कानून सिखाता हूँ। शंकर, शंकर नाम का एक आदमी है, वो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है। अब मैं जो कहता हूँ वो जाके कर, जाकर उसे अरेस्ट कर ले। एमएलए को उसी ने मारा है, मेरे आदमियों को भी उसी ने मारा है, और एमएलए के आदमियों को भी उसी ने मारा है। अब आया समझ में? तो देख क्या रहा है, जा। तुलसी तू बोलता है वो मैं करूंगा, लेकिन मेरी फैमिली के साथ कुछ हुआ ना? अरे कुछ नहीं होगा, तू जा यहाँ से। एसीपी जाते समय चुपचाप मत जाना, आवाज करके जाना, जा। आप ही मुझे बचा सकते हैं भाई। स्वामी नैना, नैना तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जी। इन चार लोगों ने आकर मुझे और अपने बच्चे को बचा लिया जी। ये सब आपके डिपार्टमेंट के है ना? हाँ नैना, हाँ डिपार्टमेंट के ही आदमी हैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है जी। आपने मेरी मदद की मैं कभी नहीं भूलूंगा, चाहे मैं कहीं भी ड्यूटी पर हूँ, आपका विश्वासी बनकर रहूंगा। उस तुलसी को तुम्हें अभी अंदर करना होगा, अभी तुम जा सकते हो। मैं उसे अंदर कर दूंगा भाई, सिर्फ एक गवाह चाहिए मुझे, फिर मैं उसे मजा चखाऊंगा। गवाह मैं तैयार करता हूँ, तुम वारंट की तैयारी करो। <भाई। laughs>
अरे ये तो इधर ही खड़ा है। सर टाइम प्लीज। हाथ में इतनी बड़ी घड़ी जो बांध रखी है, इसमें देख लो ना। सॉरी सर, ये घड़ी चलती नहीं है। वो चलती नहीं है तो ये दिखती नहीं है। बता दीजिए ना सर। ठीक है, अभी बताता हूँ। मेरा बुरा टाइम है 8। थैंक यू। नो मेडिसिन। हीरोगिरी करता है सर। लाइटर प्लीज। अब तक वो आई क्यों नहीं? आने वाली है या नहीं? निकल, क्या है ये? सब सेफ्टी के लिए, अब किसी पर यकीन नहीं करता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। पकड़िए। सेम परफॉर्मेंस, देखने में थोड़े ठीक ठाक लगते हैं तो सब अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। तू फिर आ गया। आपने मुझे हीरो बोला क्या? तू हीरो नहीं, जीरो है रे, जीरो। थैंक यू। जीरो बोलने पे भी इतना खुश हो रहा है? अरे बाप रे, आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है। यहाँ से निकल चलता हूँ। सर आप टाइम बता सकते हैं? नहीं बताऊंगा तो तू छोड़ देगा क्या? जूम करके देखता हूँ। 8:30। हाँ 8:30। क्यों, 8 के बाद तो 8:30 ही आएगा ना, इसमें गलत क्या है? वो बात नहीं है सर, नून शो देखने के लिए जाना है ना। लेकिन फिल्म तो 11 बजे है ना। तो क्या 10:30 बजे जाऊंगा तो टिकट मिलेगी क्या? 2 घंटे लाइन में खड़े रहो तब जाके टिकट मिलती है। आजकल फिल्म देखने में भी बहुत कॉम्पिटिशन है। फिल्म देखने में भी कॉम्पिटिशन? जाने दो। किसी कॉम्पिटिशन की बात कर रहा था, फिल्म देखने की या आइटम देखने की? क्या बात कर रहा भाई? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे क्या पता। ये टेंशन में क्यों आ गया? टेंशन में तो मुझे आना चाहिए था। दोनों की परेशानी के बीच में मैं फंस गया हूँ, सब इसके कारण। उसके बीवी बच्चों को छोड़ा कैसे? शंकर के 4 आदमी आए और उसके बीवी बच्चों को उठाकर ले गए। तेरे बीवी बच्चों को उठाएगा तो तू छोड़ देगा? उनके लिए तुम कमाते हैं क्या? बुजदिल फैमिली वालों से ऐसी बात कर रहा है, उनको तो मैं देखता हूँ। चलो पुलिस वालों के मुंह पर धुआं छोड़ता है, चल अभी सैल्यूट मार। ए सीबी छोड़ दे रे, ये सब ठीक नहीं कर रहा है तो समझा। कुत्ते, 10 गुंडों को अपने साथ रखकर गली में गुंडागिरी करता है तो खुद को बड़ा समझता है? IPS की परीक्षा पास करके बड़े बड़े गुंडों को सीधा करता हूँ, मुझ में कितनी गर्मी होगी बोल। ए सीबी ज्यादा बात कर रहा है तो पछताएगा। लॉ नहीं मालूम क्या रे? मैं बताता हूँ, तुलसी नाम का एक गुंडा जो MLA को मारता है, पुलिस वाले की फैमिली को किडनैप करता है, उसके बदले में किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले को धमकी भी देता है। तुझे 1 साल पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा ऑफिसर आने वाला है, लेकिन हमारे ट्रांसफर से पहले पता चल जाता है कि उस एरिया में कौन सी गली में कौन सा गुंडा कौन सा बदमाश क्या क्या कर रहा होता है। मेरे एरिया में आकर मुझे धमकी दे रहा है तू? ये ले बात कर। अच्छा अब मेरा डायलॉग तू मुझे ही बोल रहा है? डर मत रे, तेरा ही पावर है, बात कर। ये ले बात कर, बात कर। हेलो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। क्या कर रहे हैं वहाँ खड़ा होके? वो बहुत डेंजर आदमी है, तुम्हारा एनकाउंटर कर देगा, जाओ उसके साथ नहीं तो पुलिस वाले खाली पकड़ मुझे परेशान करेंगे। जा, कह रहा हूँ जा। आप भी ऐसी बात करेंगे साहब? जा, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ भाई? ए, चल मेरे साथ। सागर अभी कुछ मत करना, लेकिन मेरे बाहर आने तक इनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। देख लेना, चल। क्या बात है, आज कोई बकरा फंसी नहीं रहा है। ए, कैसा है रे? अरे एकदम ठीक हूँ यार। आजा आजा। कितने भी रंगीन कपड़े पहने तेरा रंग नहीं बदलेगा।
अरे क्या रे, तू अपने एरिया में दिखता नहीं आजकल? अरे मैं तो दिखता हूँ, तू ही नहीं दिखता है। अरे इस एरिया में इतना उधार है कि किधर जा ही नहीं सकता हूँ मैं। चाय पिएगा? अपने एरिया में पीते हैं ना। यहीं पे पीते हैं ना, दो कटिंग बनाना। हाँ, इसीलिए मुझे चाय पिला रहा है आज। नहीं रे, तू अपना अच्छा फ्रेंड है इसलिए पिला रहा हूँ, तू पीना चाय। हाँ, तू मुझे अच्छा फ्रेंड कहता है आज, कंफर्म हो गया मैं ही तेरा अच्छा फ्रेंड हूँ। क्या बात कर रहा है, तेरे लिए मैंने कितनी सारी लड़कियों को लव लेटर्स लिखे दिए। तुमने अपने पटाने के लिए लव लेटर्स दिए हैं, तुमने मेरे लिए लव लेटर्स नहीं दिए। ले पकड़। सुनिए, क्या पैसे इससे ले लेना। कितने रुपए? 2 रुपया बहन जी। थैंक्स भाई। हाँ, वन सेकंड। कुछ भी नहीं मिल रहा है, छोटे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा सुनो, पैसे कल दूंगा तो चलेगा क्या? ठीक है भाई, चप्पल भी कल ही लेके जाना। ये मेरा 16वां इंटरव्यू है, अब की बार तो मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए। नहीं मिलेगी तो मुझे इसी मंदिर में रहना पड़ेगा। हे भगवान, मेरा बेड़ा पार लगा दो। ये लीजिए। घर में माँ ठीक है ना? पंडित जी जल्दबाजी मत कर। अरे तेरे पास तो पैसे नहीं रहते, तेरा नाम क्या है? पूनम। पूनम, पूनम के चांद की जैसी तेरी शक्ल है, तुम्हारा नाम एकदम सही है। अंकल मैं आंटी को बोल दूंगी। अरे तुम तो मेरी बात का पूरा मान गई। जी, लड़कों के पास नहीं आते क्या? अरे रुक जा, थोड़ी देर नहीं रुकूंगा, रुक गया तो ऊपर चला जाऊंगा। चुप कर, क्या अशुभ बात कर रहा है तू? मंदिर में खड़ा है और ऐसी बात कर रहा है? इंतजार करना है तो कर, वरना भाग यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत कर, समझा? हनुमान जी की जगह पर आपने ही बोल दिया तो मैं चला जाता हूँ, चले बाय। सुना मैं हनुमान जी से देखता हूँ, सच सच बताओ ना प्लीज। इधर टाइम वेस्ट मत कर, चला मेरे साथ। अरे वो जाए तो जाने दो, मेरे लिए तो लेडीज इम्पोर्टेंट है। घर पे सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है, मैं पूजा करने आई हूँ। क्यों परेशान करता है तू? पूजा का सामान लेकर आया क्या? पूजा का सामान कहाँ मिल रहा है? अरे मंदिर के सामने ही मिलता है, जा देख ले। हाँ ठीक है, थोड़ा संभाल के। ठीक है, ओम महागणपति। आज किसी भी तरह इसका नाम जानना ही है, ये तो देख ही नहीं रही है। डार्लिंग मैं मंदिर में हूँ, पूजा करने आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या शाम को नहीं मिलेंगे? हाँ? क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा मिलेंगे तो ठीक है, ठीक है मैं शाम को पार्क में आ जाऊंगा, ठीक है ना? तुम भी टाइम पे आ जाना, इंतजार मत करवाना रोज की तरह। हमेशा लड़कियों पे ध्यान देते हैं, इसलिए मंदिर आता ही नहीं। मैं आपको बोला कि मैंने उनका हालचाल पूछा है, लाओ दो। देखो पूजा की थाली देने को बोला। बात तो पूजा की थाली डार्लिंग, ठीक है। नाम? नहीं, 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 जैकी। हाँ कर लूंगा। ओम जैकीश्वर नमः। सिर्फ जैकी। ओम जैकी नमः। जैकी के अलावा और कुछ मत बोलना। नमः तो बोलना पड़ेगा, वो मंत्र है। समझा करो डार्लिंग। राशि क्या है? देखो मैं नौकरी करता हूँ ना, कन्या राशि। नौकरी नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगी? ओम कन्या राशि आय नमः। नक्षत्र क्या है? तुम भी ना। वाल नक्षत्र। वाल नक्षत्र आय नमः। गोत्र क्या है? क्या? नहीं, कोई भी गोत्र आय नमः। अरे सुन, अरे पूजा की थाली कहाँ है? देखा डार्लिंग, तुझसे बात करने के चक्कर में मैं पूजा की थाली लेना भूल गया। देखा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। स्वामी जी 2 मिनट रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। पंडित जी, तुम्हारी पूजा चालू है बेटा। आज बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, थाली रखी इसमें। तुम्हारा नाम क्या है? गोविंदा, गोविंदा। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी। ये अभी अपना नाम बताने वाली थी और इसने गोविंदा बोल दिया। मेरी मन्नत थी भाई। आज तुम्हारा नक्षत्र क्या है? वर्णी नक्षत्र। वर्णी नक्षत्र आय नमः सौभाग्यम।
ठीक है, पूजा का सामान दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता। हाँ बहुत अच्छा। ओम महागणपति नमः। आज भी इसका नाम पता नहीं चला मुझे। स्वामी जी हमारी पूजा करवा दीजिए। तू कितना भी पढ़ ले पास नहीं होगा, फेल होगा तो भगवान को ही दोष देगा। ये लो आपकी थाली। थैंक यू। हाँ, आज का कलेक्शन अच्छा हुआ। ये लो मैंने तुम्हारे नाम की पूजा कर दी है। ए भरणी नक्षत्रम पकड़ो, ये लो ना। ये ले तेरी थाली। पंडित जी थाली आप ही रख लीजिए। क्यों नहीं, उसकी थाली होगी तो चिंता करेगा ना, ये तो चोरी की थाली है ना। अरे मेरी दक्षिणा की थाली कहाँ गई? गोविंदा गोविंदा गोविंदा। हे भगवान। छह नंबर किधर गया? भीख मांगना छोड़कर मैंने ये धंधा शुरू किया। तेरे जैसे और चार लोग मिल गए ना तो वापस मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ से भिखारी लोग चले आते हैं। कहाँ दुनियादारी करके आ रहा है? पड़ोसियों के बच्चे पढ़ लिख कर काम करने लग गए और तू अभी तक घूम ही रहा है। वो सब छोड़ो ना, ये महारानी रो क्यों रही है? वो मुझे नहीं पता, भाई के आने के बाद ही बताऊंगी, ऐसा बोल रही है। चल मैं आ गया, अब मुझे बता। भैया। ए जैकी, मेरा पेन किधर है? ए जैकी, मेरा पेन किधर है? क्या भैया? प्यारी बहना क्यों रो रही हो? भैया स्कूल आते जाते समय मुझे एक लड़का परेशान करता है। हे भगवान, कौन समझाया इसे? क्या बात कर रही है तू? हाँ भैया, कल अचानक आकर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तूने उसको बोला? तू जैकी की बहन है। तुम्हारा नाम बताने के बाद भी बहुत टॉर्चर किया। तू मुझे बता वो कौन है। टी-शर्ट बहुत अच्छी है। हाय संजय, कल तू कविता के साथ कहाँ घूम रहा था? ये है क्या? नहीं। ए किधर से आ रहे? तू क्यों पूछ रहा है? चल निकल, चल निकल यहाँ से, चल। पागल लगता है। ये क्या?
ए, स्कूल जाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं आइटम को देख रहा हूँ। क्या मुसीबत है? ए, कौन है रे तेरी आइटम? वो देखना उधर खड़ी है, कितने प्यार से मुझे देख रही है, वही है मेरी आइटम। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे रे तू? सातवीं में। वो कितवीं में पढ़ती है पता है क्या? आठवीं में। तुझे नहीं लगता वो तुझसे बड़ी है? हाथ हटाइए बॉस, सचिन तेंदुलकर की बीवी उससे 5 साल बड़ी है, तो उसने क्या शादी नहीं की? लव के अंदर हार्ट वेट ये सब नहीं देखा जाता, सिर्फ प्यार चाहिए प्यार। अबे इस उम्र में तुझे प्यार करना है, आइटम चाहिए, प्यार करना है, रोमांस करना है, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? कौन है रे तू, मुझे क्यों मार रहा है? मैं उसका भाई हूँ। ओ, इसका मतलब तू मेरा साला है। इस उम्र में तुझे प्यार करना है, लव करना है। अरे अरे ए साले, बताऊंगा तुझे, तूने जीजा को हाथ लगाया है, कौन है मैं बताऊंगा। हाँ। अच्छा मजा चखाया। क्या ये इस लड़के के लिए तू मुझे यहाँ बुला कर लाई? तू चिंता मत कर, वो अब तेरा पीछा नहीं करेगा। अबे भाग तेरी तो। देख लूंगा। बोल क्या बात है? अपने एरिया के 2 लोगों को पुलिस उठाकर ले गए स्वामी। जब पुलिस वालों को किसी केस का असली मुजरिम नहीं मिलता तो अपने एरिया के गुंडे को पकड़ के ले जाते हैं वो लोग। स्वामी कौन सा स्टेशन है स्वामी? अपने एरिया का स्टेशन है, इंस्पेक्टर वरदराज ही पोस्टेड है ना? ठीक है मैं देख लूंगा। सुनिए करुणा शंकर 2 दिन से आपसे मिलने के लिए वेट कर रहा है। नमस्ते। क्या है करुणा शंकर? साहब को पूरी बात बताओ। भाई साहब, लड़के की पढ़ाई के लिए 50 लाख की प्रॉपर्टी सरवन बिल्डर्स के यहाँ गिरवी रखी थी, मैंने पूरा ब्याज बराबर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी डूब गई इसलिए हम तुम्हें वापस नहीं दे सकते। मेरी पूरी फैमिली इस प्रॉपर्टी के भरोसे ही है। तुम्हें तो पता है ना वो दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं, तुम उसके पास क्यों गए? मैं हूँ ना, पैसा चाहिए था तो मुझसे लेना चाहिए था ना। साहब आप तो बहुत महान हैं, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, बार बार आपको परेशान नहीं करना चाहिए ये सोचकर मैं नहीं आया। तुम्हारी प्रॉपर्टी किधर है? गांधी चौराहे के पास। स्वामी उस फ्रॉड सर्वन को फोन करो। सर्वन साहब तुझे बुला रहे हैं। कैसा साहब रे? पगार तुझे देता है साहब तेरा होगा, मेरा नहीं। क्या बोल रहा है वो? लगता है उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, अपने आदमियों को भेजता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आओ करुणा शंकर। साहब जी क्या हुआ, तुम स्कूल जाने के बजाय यहाँ पर? पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए क्या? अब मैं आपसे क्या बोलूं साहब? क्या हुआ माँ जी? कल तक स्कूल जाने वाली मेरी पोती आज सुबह उठकर रो रही थी, जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि सर ने स्कूल में मुझे इधर छुआ उधर छुआ। स्वामी बोलिए साहब। वो जो भी हो उसे इधर लेकर आओ। ठीक है जाइए जाइए, चलो मेरे साथ। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। चलो नमस्ते साहब जी। अरे राम नारायण कैसे हो? ठीक है साहब जी। तुम्हारा बेटा कैसा है? बहुत अच्छा साहब जी। कोई परेशानी है क्या? आपकी मेहरबानी से कोई परेशानी नहीं। कुछ भी चाहिए तो घर पे आ जाना। ठीक है साहब जी। अच्छा साहब जी। बोर्ड निकाल के फेंक दे भाई, ये बोर्ड नहीं निकाल सकता। ये जगह हमारी है भाई, जगह हमारी है लेकिन बोर्ड शंकर का है। भाग। ए, इधर आ। जी साहब।
भाई। ए, वो बोर्ड निकाल के फेंक दे। आप मुझे बिना पगार के काम करने के लिए बोलेंगे तो भी मैं करूंगा, और काम से निकाल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन उस बोर्ड को निकाल कर फेंकने के लिए मत बोलिए, वो मैं नहीं कर सकता। अबे तू पगार मुझसे लेता है और बोल उसकी तरफ से रहा है। किधर रह रहे तू? गांधी चौराहे की तरफ आ जा। हाँ सरवन, क्या हो गया? कुछ नहीं राणा, बोर्ड निकालने को बोला तो कोई तैयार नहीं हो रहा है। क्या रे सरवन, इतने छोटे मैटर के लिए मुझे बुलाया तूने? क्या रे राणा, बोर्ड पे किसका नाम है देखा ना, हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस बोर्ड को छेड़कर अपनी मुसीबत मत बुलाओ, भाई को समझा दो। सरवन कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार। क्या बोल रहा है तू? अभी टाइम ठीक नहीं है, बड़े भाई को आने दो। अरे बोर्ड के हम उसे ही उठा लेंगे। उठा यहां से। चलो राणा, अभी वो गुस्से में है, बाद में हम लोग बात कर लेंगे। आप ही उस बोर्ड को निकाल कर फेंक दीजिए ना। वो बोर्ड निकाल कर मैं फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा। देखना नहीं अगली बार से। हाँ क्या बात है। ये इसके साथ क्या कर रहा है? चुप रहे। ये कौन है बड़े बाल वाला, तुझे घूर घूर के देख रहा है? तू चुप करना। ठीक है तू घर पे जा, छोटा मोटा मामला है, मैं खत्म करके आता हूँ। ठीक है जा। ए, तू तो ऐसे ही लूज है रे, यहाँ खड़ा रह के लाइन मार रहा है क्या? नहीं रे। क्या कहा, प्यार करता है? हाँ रे। तू गांजा पिता है, शराब पिता है, लड़कियों के पीछे घूमता है, इतनी जल्दी मत कर, हम लोग बात करके फैसला कर लेंगे ना। ठीक है, पहले मेरी आइटम का नाम बता। ए, वो मेरी छोटी बहन है। तो वो मेरी बड़ी बहन है। अरे मेरे साले, क्या खाएगा? पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, बिस्किट खाएगा? ए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू खा ले। कैसे मनाऊं इसको? क्यों रे, तू मेरे प्यार को मुझसे क्यों जुदा कर रहा है? प्यार का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये दर्द मैं तुझे नहीं देना चाहता। तुझे पता है क्या तेरी आइटम का नाम क्या है? नहीं पता रे। तो सुन, उसका नाम है प्रिया, उसका नाम है प्रिया, उसका नाम है प्रिया। चल चल मैं जा रहा हूँ। साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। टीचर का काम करता है लेकिन देता है सेक्स टॉर्चर। तेरे जैसे टीचर की वजह से ही सारे टीचर्स का नाम बदनाम हो रहा है। साहब जी मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांग लेने पर मैं तेरी गलती को माफ कर दूंगा क्या? दूसरों की गलतियां सुधारने वाला तू खुद गलती करेगा तो कैसे चलेगा? साहब जी मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। चल जा। अच्छा हुआ तू डॉक्यूमेंट के साथ आया है, ये डरना ही तेरे लिए अच्छा है। करुणा शंकर। धन्यवाद भाई साहब। आप क्यों हमारे धंधे में दखल दे रहे हो? मुंह बंद रख अपना, नहीं तो। स्वामी, तू जब मिस्त्री का काम करता था तब तो अच्छा ही था, अभी एसी कार में घूमने से तुझे चर्बी चढ़ गई क्या? सीधी तरह से काम करके तू आगे जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन तू अगर किसी दूसरे का हिस्सा छीनकर आगे बढ़ेगा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चल जा। ठीक है। अरे कार्तिका, पास पड़ोस में बीसी डालने से हमारा गुजारा हो रहा है, नहीं तो खाने पीने की मुश्किल हो जाती। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, वो बीसी बीसी का तुम देखो।
तेरा बेटा आ गया, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। तुझे क्या लेने देना? माँ क्या है? मुझे अच्छा ये बता, गैस लाने के लिए जो पैसे दिए थे वो कहाँ है? वो क्या है ना कि क्या सोच रहा है, इसका मतलब तूने पैसे खर्च कर दिए? जब तक केरोसिन है तब तक ही खाना बनेगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। ए जैकी, उसको कुछ मत बोल, मुझे ही चिल्ला दे रहा है। नमूना आ गया। ए, मैं आ रहा हूँ। क्यों रे, सुबह सुबह ही आ गया तू? तू भी नहीं काम करेगा, इसे भी नहीं करने देता। हाँ चल जा यहाँ से, जा जा। कहा ना, तू तू कहाँ जा रहा है? चल अंदर, मैंने कहा अंदर चल। अरे बात छोड़ना, जान देना, मेरा दोस्त है वो। ए बाबा चल, क्यों करे जाता है ये लोगों के साथ? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चल ना, पीछे आ जा। थोड़ी देर में आता हूँ। ए, कितनी देर वेट करूं तेरा? हाँ जल्दी आ। हाँ ए रुक, क्या रे पीछे पीछे क्यों जा रहा है? कौन है तू? तू कौन है? मुझसे पूछेगा कौन है तू? ए, कौन से एरिया के है तू? हैं? मुझसे पूछेगा कौन है? सुन, आज के बाद से उसका पीछा किया ना, ऊपर पहुंचा दूंगा। गाड़ी निकाल। जब भी मैं घर से निकलती हूँ तुम्हारा ही चेहरा देखना चाहती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तुम्हें मार रहा था तो तुम चुपचाप क्यों खड़े थे? उससे पूछ सकते थे ना कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मार तुम खा रहे थे लेकिन चोट मुझे लग रही थी। अरे कुछ तो बोलो, ऐसे गूंगे की तरह क्यों खड़े हो? पागल हो क्या, हंस क्यों रहे हो? उसके इतना मारने पर ही तो तू मुझसे इतनी अच्छी बात कर रही है, तो मुझे मार खाना अच्छा ही लगेगा ना। अच्छा हुआ जो उसने मुझे मारा, नहीं तो तू मुझसे बात ही नहीं करती। हेलो डार्लिंग, चाहे कितने भी लोग हमारे प्यार के दुश्मन बन जाए फिर भी हमारा प्यार सक्सेसफुल रहेगा। क्वाइन पर क्वाइन डालकर मैं अपने प्यार की बातों को आगे बढ़ाता ही रहूंगा। हम दोनों के प्यार का कनेक्शन टेलीफोन के कनेक्शन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। साइकिल यही खड़ी है, करियर कहाँ गया? ये मेरी साइकिल है ना? चलो अच्छा हुआ सीट तो बच गई। ए रुक, कहाँ घूम कर आ रही है? मेरा डर नहीं रहा क्या? ए, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ और तू अंदर जा रही है? मैं आपसे क्यों डरूँ, आप भी तो एक गुंडे हैं। तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? बड़े भाई होने के नाते मेरे लिए क्या किया? मैं जो कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए तो कर रहा हूँ मैं। मैं आपके भरोसे नहीं हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। इस एरिया में सागर की बहुत रेस्पेक्ट है। कौन है वो सड़क छाप जिसके साथ तू घूम रही थी? खराब हो गया इसका। मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, आप कौन होते हैं पूछने वाले? तेरे लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकता हूँ क्या मैं? है? अगर तू उससे शादी करेगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? हाँ, वो भी तुम्हारे जैसा गुंडा हुआ तो मुझे भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तू मेरी बात नहीं समझ रही है प्रिया। ए, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम लोग पूरा घर सिर पे क्यों उठा रखे हो? रुको माँ। क्यों रुको, ये तो बता।
बोल रहे? हाँ घर पे हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? जैसे भी तुलसी का फोन आता है भाग जाता है। ए तू यहाँ क्यों खड़ी है, चल अंदर जा। हाँ। अरे तुम लोग क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ अब? क्या रे वकील, तूने बोला था ना कि आज बाहर आ जाएगा वो तुलसी भाई, अभी भी अंदर है, क्या कर रहा है तू? हाँ सुन, उसने रोड पर चलने वाले को नहीं मारा है, उसने एमएलए को मारा है, ये कोई छोटी बात है क्या? ए, वो चाहे किसी को भी मारे, तू वकील है ना, पैसे किस लिए लेता है, उसे जल्दी बाहर निकाल। मुझे तो मेरा काम मत सिखा समझे? तू हर बार यही बोलता है, तुझसे नहीं होता है तो केस छोड़ देना। अगर तू हमारे भाई को बाहर नहीं निकालेगा तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। ए, चुप बैठ रहे, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई बाहर कब आएगा? तू भी ठीक से मेरी बात समझ नहीं रहा है, उसके खिलाफ गवाही देने वाला शंकर का राइट हैंड स्वामी है, तुम सब लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। अभी करना क्या है वो बोल। ए! कल वो अगर गवाही देने नहीं आया तो ये मेरा वादा है, तुम्हारे भाई को बाहर निकालूंगा, स्वामी को मैं खत्म करूंगा। सागर तूने इसको ऐरा गैरा समझ रखा है क्या? वो शंकर का आदमी है, उन्हें पता चल गया ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर वो गवाही देने नहीं आया तो भाई निकल जाएगा ना? ठीक है, संभालूंगा मैं। लगता है आज प्लान बना कर आया है, मुझसे मजाक करना छोड़ दे। ओके ठीक है, फिर किताब पढ़ना शुरू कर दी। फिर से वही किताब, रोज रोज एक ही किताब पढ़ता रहता है। 8:12 किसको टाइम बता रहा है रे? तुझे बता रहा हूँ, तू आता ही टाइम पूछता है ना, इसलिए तुझे टाइम पूछने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खड़ा रहे। लाइटर प्लीज। है मेरे पास। आज मेरी बहुत बेइज्जती कर रहा है, लगता है टाइम मेरा खराब चल रहा है। टाइम तो वैसे हमेशा खराब चलता है, लेकिन आज बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। एक छोटा सा डाउट है। बोलो। आज सैटरडे है, सब कॉलेजों की छुट्टी है, तेरी आइटम आज आने वाली नहीं है, तो फिर तू यहाँ पर खड़ा होके क्या कर रहा है, जरा बताएगा? वो क्या है ना, मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, फ्री रहता हूँ, इसलिए रोज यहाँ आकर खड़ा रहता हूँ। अच्छी पॉलिसी है, चौके पे चौका मार रही है तो। हाँ मैं छक्का भी मारता हूँ। मेरे मन की आवाज़ इसे कैसे सुनाई दे रही है? अच्छा वह चला गया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, खड़ा रहते तो पता नहीं क्या होता। सर क्या परेशानी है? मुझे एक स्मॉल डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? प्रोसीड। मेरे आने से पहले तुम यहाँ आ जाते हो, लेकिन मेरे जाने के बाद भी नहीं जाते हो, और इस रूट पर कोई बस भी तो नहीं है। गुड क्वेश्चन। अच्छी ड्रेस पहनकर यहाँ पर खड़े रहते हो, रीजन मैं जान सकता हूँ क्या? ठीक है बताता हूँ, बहुत दिनों से मेरे मन में जो बात चल रही है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। अरे ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। सॉरी सर, मत बताइए। रुक जा बताता हूँ। ये बात सुनने वाला तू पहला आदमी होगा, इस कालू की कसम। ठीक है बोलो। हाँ। ए, कहाँ हो तुम? क्यों? मैं घर पर अकेली हूँ, कोई नहीं है, घर पर आ जाओ। अच्छा तू अकेली है? ए बुद्धू। समझते क्यों नहीं, मैं कह रही हूँ ना जल्दी से। तुझे अकेले में डर लग रहा है क्या? कैसी है तू? ए, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, आ जाओ ना। पागल है, समझता ही नहीं। अंदर चलो। अरे वो ये क्या? ए, ये क्या हो गया तुम्हें?
फर्स्ट टाइम है ना तो मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो मैं क्या 5-6 बार कर चुकी हूँ? ऐसा मत बोल, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। जा चल। अरे रे, अब कौन आया? पता नहीं, अब तो मैं पूरी तरह से फंस गई। ए दरवाजा खोल, मैच देखनी है। मैं भी अंदर मैच खेल रही हूँ, तू जा। मैं भी आ रहा हूँ, दोनों खेलेंगे। अरे तेरे खेलने लायक नहीं है, तू जा। मुझे सब खेलना आता है। दरवाजा तो खोल। ए यहाँ से भागता है या नहीं? तो अभी खोल रही है कि नहीं? अरे खोल, मेरा भाई आ गया। कहा ना खोल। नहीं खोलूंगी, जा खोल। ए तुम जाओ यहाँ से, मेरा भाई आ गया। अरे तुम जाओ ना, जाओ ना। अरे बाप रे, अरे बाप रे, जाओ ना। अरे रुक ना तू, जाओ जल्दी। खोल। ए रुक, कहा ना रुक, पागल। अभी तो मुझे स्कोर भी पता नहीं चला और तू मुझे टेंशन दे रही है। मैं मैच देखकर भविष्य में इंडिया का कैप्टन बनने वाला हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। रिमोट कहाँ है? पता नहीं। यहाँ है। ए रिमोट को छोड़, छोड़ छोड़, कहाँ ना छोड़, छोड़ रिमोट। रिमोट क्यों फेंक दिया? अरे बाप रे, मैं तुझे मार डालूंगा, मुंह पर पंच मारूंगा। लगता है मेरी पुल खुल जाएगी, तेरे दांत तोड़ डालूंगा। ऐसे देखना। रिमोट तो मिल गया। तो इस मैच के बारे में बता रही थी। सुपर गेम, सचिन तेंदुलकर के बारे में पता नहीं, लेकिन तू डबल सेंचुरी जरूर मारेगी। तुझे ऐसे छोड़ दिया ना तो 10 महीने के बाद बच्चा पैदा कर लेगी। तू 10 महीने में शादी करने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आइटम से मैं शादी जरूर करने वाला हूँ। ढिंचिका ढिंचिका ढिंचिका, ए साले बाहर निकला। जीजा जी, आजा साले आजा। मेरे जीजा आजा 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 आजा। मेरे जीजा 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 जीजा, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, मत मारो, मत मारो, छोड़ छोड़ दो, मेरे मम्मी को बोल देगा। जाऊं? अरे छोड़। जाऊं क्या? जाऊं क्या? अरे छोड़। अरे 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 वाह, हाय हाय। क्या हुआ? सब लोग सुबह सुबह यहाँ क्यों खड़े हो? आज आप गवाही देने के लिए जा रहे हैं, इसलिए साहब जी ने हमें आपके साथ ही रहने के लिए कहा है। क्या रे, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोर्ट है और जाने वाले रास्तों पर हमारे आदमी फैले हैं। तुम लोग मुझे मारोगे तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा नहीं है। जाओ रे, जाओ, जाकर अपना काम करो, जाओ यहाँ से। तुझे पहले मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अभी तक तुलसी के लिए 6 लोगों को मारा है। वो सब छोटे मोटे लोग थे, पान वाला, भाजी वाला। अब तक मैंने किसी बड़े आदमी को नहीं मारा है। अब सोचता हूँ कि एक बड़े आदमी को मार दूँ। मैं क्या कोई जज हूँ? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक छोटा सा काम, आप जैसे बड़े लोगों को मारकर मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अब सभी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। आशीर्वाद दीजिए मुझे। स्वामी, 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 वो बीवी बच्चों से ज्यादा अपना वक्त मेरे साथ बिताता था, मेरे साथ में वो ज्यादा रहता था। कौन है वो? कौन है जिसने स्वामी को मारा? सागर नाम है उसका। कौन है वो सागर? तुलसी का राइट हैंड है वो। जानते हुए भी उसे छोड़ दिया? तुलसी अभी बाहर निकल गया भाई। डर लगता है? डर लगता है क्या? सागर की माँ और बहन को उठा लाएगा।
मैं तो उसको मारने की बात कर रहा हूं, औरत उठाने की बात। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ जाओ यहां से, खत्म कर दो। मैं तेरा चांद हूं, तू मेरी चांदनी है। अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे प्रिया, बस तेरे बारे में कविता सोच रहा था। अच्छा तो सुनाओ। एक मिनट। क्या ढूंढ रहे हो? मैंने लिख कर रखी है। ठीक है, पढ़ो। वेट। चांद नहीं घूमता लेकिन मैं घूमता हूँ। बरसात नहीं होती है लेकिन मैं भीग जाता हूँ। ठीक लग रही है ना? मैंने एक और कविता लिखी है प्रिया। बहुत हो गया। इतनी बुरी थी क्या? हे भगवान, लगता है कुछ अलग कविता लिखनी पड़ेगी। ए, क्या रे, मुझे बाहर निकालने में इतना टाइम लगा दिया, तुम लोगों ने किया क्या? क्या 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 किया? वो एसीपी अभी तक जिंदा है। हम तेरे लिए वेट कर रहे थे, अगर बोल तो अभी मार डालते हैं। ठीक है तो अभी चलो। अरे रुक जाओ, पहले एमएलए को मारा, अभी अगर पुलिस वाले को मारोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या रे, क्या है, है? मुझे डरा रहा है, जो अंदर उसको बाहर तो करवा नहीं पाता, वकील कहता है अपने आप को। चल निकल ले। तू बाहर निकल आया और मुझे पता भी नहीं चला, मेरे आदमियों ने अभी मुझे खबर की। अब क्या हुआ? वो शंकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बार बार मेरे काम में दखलंदाजी करता है, उसे खत्म करना है। अगर उसे नहीं मारेंगे तो हमें जीने नहीं देगा। तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे नहीं पता तुलसी, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा लेकिन उसे तू खत्म करेगा। ए! चलता हूं तुलसी। झुक कर बात करने वाला सीना तान कर बात कर रहा है, इस सब की वजह है शंकर, उसको मारना ही पड़ेगा। कल ही मार सकते हैं हम लोग उसे। तेरे कहने का मतलब क्या है? कुमार धनंजय, मुरलीधर, अंबुनाथ और उस विशाल को, अगर इन चारों को हमने मार दिया ना तो शंकर को तो ऐसे मार देंगे। पहले तो उन चार लोगों को मार, जिस मार्केट में शंकर ने मेरी बेइज्जती की थी वहीं शंकर को मारूंगा, वहीं मारूंगा। तुझसे बात करने आया हूँ। तुझे मारने के लिए हम तुझे ढूंढ रहे हैं और तू बात करने के लिए आया है? मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलता, तो शंकर का साथ छोड़ दे। ए, कॉमेडी कर रहा है क्या? सीरियसली बोल रहा हूँ, तुझे जो चाहिए हम देंगे और तुलसी भी तेरी मदद के लिए तैयार है। अगर मैंने शंकर का साथ छोड़ दिया तो तू मुझे कल ही मार डालेगा। तू हमारे साथ मिल जा, कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, हमारी बात समझ ले, सच बोल रहा हूँ, खुश रहेगा। पैसे दे इसको, तेरी सोडा फैक्ट्री बियर फैक्ट्री में बदल जाएगी, दिमाग से काम ले। Oh!
प्रिया जा यहाँ से, प्रिया जा जा, प्रिया जा, प्रिया जा यहाँ से, जा प्रिया यहाँ से जा, निकल यहाँ से तू, तू जा, भैया आप घर चलें, भैया चलो ना, भैया, भैया चलो मेरी बात सुनो, जा प्रिया, प्रिया जा, भैया मेरी बात, प्रिया जा मैं इनको संभाल लूँगा, प्रिया तू जा, प्रिया जा, नहीं, नहीं, प्रिया जा यहाँ से, प्रिया जा ये लड़के वही है क्या? नहीं नहीं आप जाइए, पता नहीं कब मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी वो लड़की, ये फिर आ गया, हाँ जैसे पिज्जा का ऑर्डर दो तो वो ठीक टाइम पे आ जाता है, उसी तरह ये भी टाइम पे आ जाता है। हाँ सर, मैं तो बचपन से पंचुअलिटी फॉलो करता हूँ सर। तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे परेशान मत करो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, ये तुम्हारी सीमा है, इसे पार मत करना, हमारे बीच का गैप मेंटेन करना, ओके? ओके। हाँ। सर, इफ यू डोंट माइंड। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी वॉच भेज दी। सॉरी सर। मैं बताता हूँ कितना टाइम हुआ है, 7:30। उसने मुझसे पूछा था, तू अपनी लाइन क्रॉस मत कर, वहीं खड़ा रहे, बड़ा आया टाइम बताने वाला। एक्सक्यूज मी सर। आज आप फ्री हैं क्या? क्यों? उस दिन स्टोरी अधूरी रह गई थी, आज सुना सकता हूँ? हाँ सुनाइए। थैंक यू सर। कहाँ फंस गया? उस दिन इवनिंग के 5:30 बज रहे थे। कल के इवनिंग की बात कर रहे हैं? नो नो, 4 महीने पहले दीपावली की इवनिंग की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। इवनिंग में 5:30 बजे सर, अनार की रोशनी में वो परी सामने से चलती हुई आ रही थी, तभी मैंने उसका चेहरा देखा। सर ये सीन मैंने चांदनी फिल्म में अमिताभ और श्रीदेवी का देखा था। नहीं नहीं सर, चांदनी में तो ऋषि कपूर हीरो था सर, और श्रीदेवी का चेहरा भी साफ दिख रहा था। क्यों, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा लाइट मारी थी क्या? आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? आप रुक क्यों गए? कंटिन्यू कीजिए, आप स्टोरी बता रहे हो ना। सॉरी सर। ओके। उस लड़की ने भी मुझे देखा सर, उसका चेहरा तो मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना दिल दे दिया। वो सब छोड़ो, तुमने अब तक अपनी ड्रेस क्यों नहीं चेंज की? सर उस लड़की ने जिस दिन मुझे देखा था मैं इसी ड्रेस में था। क्या मतलब? सपोज अगर मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ तो वो मुझे कैसे पहचानेगी? उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था सर कि आज के बाद कभी भी मैं ड्रेस चेंज नहीं करूँगा सर। चेंज नहीं कर सकते लेकिन धो तो सकते हो ना। हा? आपको पता चल गया क्या? मुझे पहले दिन ही पता चल गया था। सर इसकी भी एक वजह है, सपोज अगर मैं इस ड्रेस को धोता हूँ तो इसका कलर भी जा सकता है और इसी वजह से वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। यू आर अंडरस्टैंड? हाँ छोड़ो, तुम्हारी आइटम तो इवनिंग में 5:30 बजे आने वाली है, तुम सुबह से क्यों वेट कर रहे हो? मैंने उसे इवनिंग में 5:30 बजे देखा था, लेकिन वो कब आने वाली है ये मुझे नहीं पता। That's logic. ये सब तुम्हारा फ्लैशबैक है क्या? इसने थूका क्यों? उसने तो मेरी स्टोरी सुनकर थूका था, लेकिन इसने बिना सुने ही थूक दिया। जाने दो, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। देखकर भी अनदेखा क्यों कर रही हो? ए, रुक जा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू चली जा रही है। तुमने चीटिंग की है, जाओ यहाँ से। ए, रुक जा, मैंने कब चीट किया तुझे? तुम भी मेरे भैया की तरह गुंडे ही हो ना। क्या बोली, मैं गुंडा हूँ? नाटक मत करो, मैंने कल देखा था तुमने मेरे भैया को मारने वाले को मारा था। अच्छा तू उसकी बात कर रही है प्रिया, मैंने तेरे लिए रिस्क लेकर उन लोगों से झगड़ा किया और तू मुझे ही गुंडा बोल रही है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, मेरे पीछे मत आना, मैं तुमको देखना भी पसंद नहीं करती, तुम्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुंडे लगते हो तुम। अच्छा चीट किया मुझे। प्रिया अगर वो लोग फिर से आएंगे तो मैं क्या करूं? मर जाओ। ए, सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है तुलसी, पहले मैं अंदर जाकर विशाल कुमार को देखता हूँ, उसके बाद तू अंदर जाकर शंकर को खत्म कर देना। सबके पास हथियार है ना? हाँ तुलसी। ए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब अलर्ट रहना।
आज मेरा लकी साथ नहीं दे रहा है। सिर काटने वाला पैर क्यों काट रहा है यही सोच रहा है ना? मैं तुझे अभी मार सकता हूं लेकिन मारूंगा नहीं, नहीं मारूंगा तुझे, बिल्कुल नहीं मारूंगा। तुलसी ने शंकर को मारा ये बात सबको पता चलनी चाहिए। 18 सालों से मेरे दिल में एक आग चल रही है कि तेरी पोजीशन पे आना है। इस इलाके में शंकर की बादशाहत चलती है लेकिन अब तुलसी का सिक्का चलना चाहिए, उसके लिए तुझे काटूंगा। 10 दिन बाद, आज के 10 दिन बाद मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ए तुलसी, तू मेरी मौत का दिन क्या मुकर्रर करेगा? उससे पहले मेरे आदमी तुझे खत्म कर देंगे। कौन है तेरा आदमी? अयूब, शैलू, रवि, इन्हीं की बात कर रहा है ना तू? पैसे के लालच में वो सब लोग तुझे छोड़कर भाग गए। तेरी जय जयकार करने वाले इसी एरिया में तुझे पब्लिक के सामने मारूंगा। तेरी लाश उठाने भी कोई नहीं आएगा, अनाथ की तरह सड़ेगा तू। कौन है रे अनाथ? कौन है अनाथ? मेरा खून अभी जिंदा है, वो आएगा, जरूर आएगा। चलो रे। ए सागर, ये शंकर का बेटा कौन है रे? अभी तक हम लोगों ने उसे देखा क्यों नहीं है? 24 घंटे में उसके बेटे को देखना चाहता हूँ, जाओ उसे लेकर आओ, जाओ। भाई क्या है? अभी तक हम लोगों ने उसे देखा भी नहीं है। ए सागर। हाँ तुलसी, मैंने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसका नाम जय किशन है, बाप बेटे में कोई बातचीत नहीं है। उसके एक आदमी के पास सारी डिटेल है। इस इलाके में जितने भी जय किशन नाम के आदमी है सबको उठा कर ले आओ, जाओ जाओ। ठीक है भाई। सदियों के तप करने के बाद अब जाइए यहाँ से, तुम जैसा बेटा पैदा हुए हो। बाप का चेहरा देखे बिना जीवन जीना ही तेरा भाग है, जीवन जीना ही तेरा भाग है। तुम्हारे पिता ने देखा तुम्हारा चेहरा, वो ही एक आश्चर्य था। अब तू अपने लिए जिएगा सदियों के तप करने के बाद, तुम जैसा बेटा पैदा हुए हो। बाप का चेहरा देखे बिना जैकी, आजा। आज ही पिता को देखने का दिल किया क्या? मैं सोचता था कि तू नहीं आएगा,
लेकिन तू आ गया। आज तक सभी आपके साथ थे इसलिए मैं मिलने के लिए नहीं आता था, लेकिन आज आप अकेले पड़ गए इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। क्या रे, तू मुझे समझ नहीं पाया क्या? आपके बारे में बिल्कुल ठीक समझाया मैंने, आपकी वजह से ही मेरी मां मर गई। मेरी वजह से वो नहीं मरी, तेरी वजह से मरी है वो, तेरी वजह से तेरी मां मरी है। मत मारो मुझे, अरे बंद कर दो, मत मारो मुझे, रुक जाओ, मैं कहता हूँ, रुक जाओ, क्यों मुझे मार रहे हो? मैंने क्या गलती की है? क्या गलती की है ये पूछ रहा है? किशन, आ रहा हूँ माँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास से भी तू छीन कर खाता है। जिसके पास घर नहीं है उनके घर के लिए गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था उन पैसों से तू बंगला बना करके रखेल के साथ मजे कर रहा है। सरकार अच्छा करती है पर तुम लोग ही बुरा करते हो। नहीं, माफ कर दो मुझे। तेरे जैसे इंसानों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। स्वामी, ए, इसको उठाकर बाहर फेंक दो और जगह साफ कर दो। जय किशन, तू यहाँ है? मेरा अच्छा बेटा, तूने अपने आप ही यूनिफॉर्म पहन लिया। ये देख, शूलेस ठीक से बांध ही नहीं। मैंने आज तेरा मनपसंद टिफिन बनाया है। मुझे टिफिन नहीं चाहिए। क्यों बेटा? जैकी, बेटा तुम स्कूल के लिए रेडी हो? चलो। मंगेश्वरी, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हुआ? आपने उसे क्यों मारा? वो बेचारा गरीब था ना। अगर आपको कोई मारेगा तो आपको दर्द होगा ना। उसका मेरे जैसा बेटा होगा तो वो अनाथ हो गया होगा ना। पिताजी, आप ये सब छोड़ दीजिए। सुनिए जी, देख बेटा, पिताजी से ऐसी बातें नहीं करते। बेटा तू स्कूल जा और ये बैग ले। देख बेटा, पिताजी अब किसी को नहीं मारेंगे। अब तू जा। सुनिए जी, सब कुछ छोड़ दीजिए ना। हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। चलिए खाना खा लीजिए, चलिए ना। नहीं मंगेश्वरी, आपने उसे क्यों मारा? वो बेचारा गरीब था ना। अगर आपको कोई मारेगा तो आपको दर्द होगा ना। उसका मेरे जैसा बेटा होगा तो वो अनाथ हो गया होगा ना। पिताजी, आप ये सब छोड़ दीजिए। स्वामी, क्या है साहब जी? अपने जैकी की उम्र कितनी होगी? इस साल के बाद 10 साल का हो जाएगा। एडवाइस देने के लिए मैं खुद हूं ना, लेकिन मेरा बेटा मुझे एडवाइस दे रहा है। ऐसा क्या बोल दिया आपको? अरे वो मुझसे ये बोलता है, क्यों सब लोगों को मार रहे हो? उसकी नजर में हम सब लोग गलत हैं। ना समझ बच्चा है, बोल दिया होगा गलती से। उसको अभी से ही इतनी अकल आ गई है, उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सब कुछ छोड़ देंगे साहब। अपने आदमियों को जो कुछ भी चाहिए उन सबको सब कुछ दे दो। भाई, फिर हम लोगों का क्या होगा? साहब, आप ही हमारे सब कुछ हैं। नहीं, आज मेरे बेटे ने मुझसे सवाल पूछा, कल तुम्हारे बेटे तुमसे पूछेंगे। जाओ, तुम लोग अपने परिवार के साथ खुश रहो। जाओ साहब जी। स्वामी, जाओ 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 साहब।
मंगेश्वरी, मंगेश्वरी, क्या हो जी? मंदिर चलते हैं, चलो। क्या? मंदिर चलते हैं। मंदिर चलेंगे? आज मन ठीक नहीं है, मंदिर होकर आएंगे। दो मिनट में आती हूँ। मैं फूल ले आती हूँ। बहन जी गजरा दीजिए। लीजिए, ले लीजिए। हे ईश्वर, मैं जैकी की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, एक नई जिंदगी जीऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। बहुत दिनों बाद हम मंदिर आए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब हम लोग रोज मंदिर आएंगे, है ना जी? मंगेश्वरी, 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 मंदिर में मैंने उस दिन आपको सब कुछ छोड़ने के लिए कहा था, आपकी वजह से ही मेरी मां मरी। जैकी, मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास कर। मुझे बच्चू, जाओ यहाँ से। अब जाओ यहाँ से, मुझे बच्चू, आप गलत हैं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आप मुझे बच्चू, जाओ यहाँ से। भाई, वो बहुत छोटा है, उसे मौसी के साथ ही रहने दीजिए। नहीं रोते बेटा, मत रो। दुनिया को ये पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है भाई, कि ये मेरा अपना सगा बेटा है। ठीक है, मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली गई, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता, नहीं खोना चाहता, चाहता।
तू यही कह रहा था कि मैंने हथियार उठाया। जैसे ही मैंने हथियार फेंका, एक घंटे के बाद मैंने तेरी माँ को खो दिया। अगर मैं हथियार नहीं उठाता तो मैं तुझे भी खो देता। अपने ही बेटे को दूर से देखना एक बहुत बड़ी सजा होती है, वो मैं महसूस कर रहा हूं। मैं जैसे ही तेरे पास आता हूं, मुझे लगता है मेरे दुश्मन तुझे मार देंगे। यही डर तेरे पिता को सताता है। सारे बच्चे सबसे पहले मां मां पुकारते हैं, लेकिन तूने पिताजी कहकर बुलाया था। बीती बातों को बहुत ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है जैकी। क्या मेरा वो पुराना जैकी मुझे मिलेगा? पिताजी, ये दर्द मुझे महसूस नहीं हो रहा। मुझे मार डालेंगे, मैं अनाथों की तरह पड़ा रहूंगा। ये बात मुझे दर्द पहुंचाती है। जब आप हथियार उठा सकते तो मैं नहीं उठा सकता? मैं आप ही के लिए हूं पिताजी। पिताजी, पिताजी। नहीं रे, तू अब घर जा बेटा। मैं नहीं जाऊंगा। जिद नहीं करते, उस तुलसी के बारे में तू नहीं जानता है। मैंने तेरी मां को खो दिया है, लेकिन मैं तुझे नहीं खोना चाहता। तू मेरा बेटा है, तू मेरे लिए ये गांव छोड़कर चला जा। पिताजी, जा, जा ना। हे ईश्वर, क्या नाम है तेरा? ए इधर आ। ए तेरा नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है। चल निकल, चल भाग यहाँ से। अरे ऐसे किस किस से नाम पूछते रहेंगे? इंग्लिश में बात कर पाता हूँ क्योंकि हिंदी मातृभाषा है और इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है। ए, वो देख, सामने एक आदमी फोन पे बात करता हुआ आ रहा है। आने दे, आने दे। बात करो। यू नो फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, Walking from south and talking from mouth. So darling, फोन पर बहुत बड़बड़ कर रहा है, इसका नाम पूछते हैं। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बात करो ना भाई। Hey, इस दुनिया में प्यार करने वालों को प्यार करने में रुकावट आती है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए डार्लिंग। चक्कर क्या है डार्लिंग? तुझसे बात करते समय मुझे दुनिया उल्टी दिख रही है डार्लिंग। ए, दुनिया उल्टी नहीं है, तू उल्टा है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है डार्लिंग। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू कंटिन्यू। फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है डार्लिंग, मैं थोड़ी देर में अमेरिका पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर में अमेरिका नहीं, पागलखाने पहुंच जाएगा। वो क्या है डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट लेकर के आ रहा हूँ। कौन है ये सर? सबका नाम जय किशन है। इतने सारे जिसका नाम जय किशन है, सबको उठा के लेकर आए हैं। डार्लिंग, ये जय किशन दिखता है तुझे? मैं उस चौराहे पर भीख मांग रहा था, इन लोगों ने आकर मुझसे मेरा नाम पूछा। जय किशन बोला तो पकड़ कर यहाँ आए, मुझे भीख दीजिए साहब, भगवान के नाम। चुप रह। क्या है सागर, ये क्या है? सब लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? कोई बात नहीं डार्लिंग, शंकर के बेटे जय किशन को लाने के लिए बोला था तो इनको ले आए। ये सब ठीक नहीं किया। देख सागर, मुझे शंकर के बेटे जय किशन को देखना है। ए, कौन है रे ये? मैंने इसको अपने एरिया में देखा है। ए, कौन है रे तू? तू जिस जैकी को ढूंढ रहा है वो मैं हूँ। ये क्या बोला पता है? ए, जय किशन को छोटा करके जैकी ही बुलाते हैं।
क्या रे, जरा इसकी शर्ट देखो, लगता है हैंगर में लटकी है और हमारे सामने बात कर रहा है। तो उस शंकर का बेटा तू ही है? मेरे पिताजी को तूने ही मारा है ना? आवाज नीची करके बात कर। तू तो बात कर रहा है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझे? जा यहाँ से। तुलसी, वो अभी बच्चा है, उसे समझा दे और जाने दे यहाँ से। तुझे एक घंटे का टाइम दे रहा हूँ, इस एरिया में ही नहीं शहर में भी नहीं देखना चाहिए, चल निकल। ए जाना। ए खाना निकल। ए बोल रहा ना, जा यहाँ से, जा यहाँ से। तूने सुना नहीं क्या, एक बार कहा फिर भी यहीं खड़ा है। क्या तुलसी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ए छोड़ दो इसको। ए इसको उठाकर फेंक दो। देख तुलसी, हेलो, अपने आदमी गुस्से में इसे मार सकते हैं, मैं ही फेंक देता हूँ इसे। ठीक है, तू ही फेंक दे। ठीक है, जा तू। हाँ जाना, जाना यहाँ से। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, नहीं मैं देख लूंगा उसको, ऐसी बात है। भाई क्या रे, आपको पता है शंकर को मारा गया है? मारा कहाँ, ऐसी पैर ही तो काटा है उसका। भाई शंकर के घर में घुसकर उसका पैर काटना बहुत बड़ी बात है। तुलसी भाई ने शंकर को मारने का 10 दिन का टाइम दिया है। पहले उसे मार कर आ, फिर मुझसे बात करना। तुलसी कहाँ मिलेगा? ए, क्या फिल्मों के हीरो की तरह बात करता है? अगर मैं वहाँ नहीं होता तो मार डालते तुझे। उसके सामने हीरोगिरी दिखाता है, उसको जो पसंद नहीं आता काट डालता है उसको वो। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या है? तुझे समझा रहा हूँ मैं, ये गांव छोड़कर भाग जा। तू मुझे धमकी दे रहा है? मेरे पिताजी ने मुझे ये गाँव छोड़कर चले जाने के लिए कहा, लेकिन मैं फिर भी नहीं गया, और अब उस तुलसी से डर के मैं गाँव छोड़ के जाऊँ? क्या बकवास कर रहा है तू, काट डालेंगे वो लोग तुझे। मैं जो बोल रहा हूँ सुन, मेरी बात समझ और ये गांव छोड़ दे, नहीं तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। जय किशन, बता ना तू कहाँ जा रहा है? मैं पिताजी से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन तुझे कुछ हो न जाए इस बात से मैं परेशान हूँ। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी चिंता मत कीजिए। आप दोनों जितना जल्दी हो सके दादी के घर पे चले जाइए। ये क्या बोल रहा है? जो बोल रहा हूँ वो करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। तो हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? आप मेरी बात सुनिए, जाइए। जय किशन, तू अपना ख्याल रखना बेटा। भैया तू माँ के साथ जा। चल बेटी चल। संभल कर जाना। मैं तो गुंडा हूं ना, तो क्यों आई है मेरे पास? तुमने अपने बारे में बताया ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब पता चल गया ना, जिस दिन तूने मुझसे पूछा था उस वक्त मैं गुंडा नहीं था, लेकिन आज मैं गुंडा बन चुका हूँ। अगर मैं जिंदा बचा तो तुझसे मिलूंगा। मुझे पसंद नहीं करते क्या? अगर पसंद नहीं करता तो तुझसे बात नहीं करता। भाई क्या हुआ?
जैकी गांव छोड़कर नहीं गया। ये क्या बोल रहा तो? हाँ भाई, वो तुलसी को मारने गया है। नहीं, मेरा बच्चा भी छोटा है, वो तुलसी उसे मार डालेगा। मेरे जैकी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो मुझे जिंदा चाहिए। जाकर उसे देखो, देखो। आप चिंता मत कीजिए भाई, हम देख लेंगे। ए, चलो रे, चलो सब लोग। तुलसी, कौन है? बच्चा बोल रहा था ना, बच्चे ने क्या कर दिया देख। ए, मुझसे करके बात कर रहा है तू? जब पहली बार सामने आया था उसी दिन तुझे मार देना चाहिए था। छोटा बच्चा समझकर छोड़ क्या दिया, तो मुझसे ही अकड़ के बात करने लगा। ए तुलसी, तुझे अपना किया हुआ वादा याद है ना?
कि 10 दिन बाद तू पब्लिक के सामने मेरे पिताजी को मारेगा। उसी दिन मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा और उसके आदमियों को भी मारूंगा और साथ साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। देखते हैं उस दिन तू जिंदा रहता है क्या। इसने हथियार नहीं उठाया लेकिन अपने पिता के लिए इसने हथियार उठाया। मारो 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 सबको मारो, उठा 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 सबको उठा लो, उठा 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 सबको उठा लो। मारो मारो सबको मारो, मारो मारो सबको मारो, मारो 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 सबको मारो, उठा 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 सबको उठा लो। आया 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 जैकी कभी सुनी नहीं थी, माँ की ममता मिली नहीं थी, पिता की बात कभी सुनी नहीं थी, माँ की ममता मिली नहीं थी। ये किसी से नहीं डरता है, इसे देख दे ही सब डरते हैं। ये किसी से नहीं डरता है, इसे देख दे ही सब डरते हैं। चलो शंकर को मारना बहुत जरूरी है वरना उस लौंडे के हाथों नाक कट जाएगी। जैकी को हम लोग मार दे क्या? जैकी को कोई बच्चा समझ रखा है क्या? देखा नहीं उसमें कितनी पावर है? भाई उसका कारण वो सागर है। वो उसके साथ क्यों मिल गया? जैकी उसकी बहन से प्यार करता है इसलिए वो उसके साथ मिल गया। क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूँ। तू सोच समझ कर बोला ना, इसका मतलब उसकी बहन को उठाएंगे तो जैकी यहाँ आएगा। सिर्फ जैकी नहीं भाई, सागर भी उसके साथ आएगा। ये बात उन दोनों को हम यही खत्म कर देंगे। तो मुंह मत चलाओ, करके दिखाओ। कुमार भाई। हाँ भाई, मैटर को जल्दी से खत्म करके आ जाइए। हाँ ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। क्यों जैकी, यही सागर की बहन है ना? पिताजी से बात करके इसे शादी कर लो। प्रॉब्लम को समझे बिना ही आप बात कर रहे हैं।
उस मैटर का क्या हुआ? अभी आधे घंटे में वो लोग आ जाएंगे, अपना काम हो जाएगा भाई। मेरा इस काम में मन नहीं लग रहा है, आप संभाल लीजिए। क्या हुआ जैकी? मैं निकलता हूँ। ठीक है जैकी। उस दिन मुझे चैलेंज किया था ना, तेरा साला मेरे पास है। उन्हें छोड़ दे तुलसी, एक घंटे में तेरे साले को मारने वाला हूँ। ऐसा मत कर। अभी से रोने लगा, इसके बाद देख मैं तेरी आइटम को मारने वाला हूँ। तू ऐसा नहीं कर सकता। और लास्ट में तेरे बाप को मारूंगा। नहीं तुलसी। आओ सागर, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था ना, क्या सोच रहा था जीजा के साथ मिलकर तू मुझे मार डालेगा? शंकर जितना तेज है उसका बेटा उतना तेज नहीं है। देख तुलसी, मेरी बहन को छोड़ दे, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी बहन को छोड़ दे। ए, याद रख, तेरी वजह से तेरी बहन को अभी तक जिंदा रखा है। सागर, अभी तक मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया ना। मेरी बहन को छोड़ दे, तू जो कुछ कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी बहन को छोड़ दे। ए, सब लोग यहां से चलो, जैकी हम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाना चाहिए। चलो।
तुम लोगों के लिए गवर्नमेंट की पिस्तौल नहीं, मेरी पिस्तौल ही काफी है। भागना चाहते हो या बचना चाहते हो हा? भागो यहां से। किसने मारा? ए सागर बता ना किसने मारा तुझे? ए कौन है? ए तुलसी! लास्ट में तेरे बाप को मारूंगा, तेरे बाप को मारूंगा। सब जगह ढूंढ लिया भाई, शंकर का कहीं पता नहीं चला। ए! वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जहां भी हो मुझे वो चाहिए। जाओ लेकर आओ उसे, लेकर आओ। ए, चलो रे, चलो जाओ। तू मुझे ही ढूंढ रहा था, मैं तेरी ही जगह पर आ गया। ए शंकर, तू यहां मरने के लिए आया है, किसी की शादी में नहीं आया है? तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। ए, 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 ए शंकर, मेरी जगह पर आकर मुझे ही धमकी दे रहा है? 23 रेप, 6 मर्डर केस, 8 रिमाइंड, 18 साल गुंडे की लाइफ, ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि तेरी बादशाहत खत्म कर सकूं। तेरे बेटे ने 4 दिन पहले हथियार उठाए, वो मुझे क्या मारेगा? अब तक तो मेरे आदमियों ने तेरे बेटे को मार भी दिया होगा। मैंने कहा था ना, तू अनाथ ही मरेगा तो तू अनाथ ही मरेगा। तूने बोला था मेरा बेटा नहीं आएगा, तू अगर इससे जीत सकता है तो जीत ले। मेरा बेटा हार गया तो मुझे मारने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगा।
इसी बेटे के दम पर तू मुझे चैलेंज कर रहा था, इसी बेटे के दम पर डायलॉग बोल रहा था, अब देखा ना क्या हुआ। जैकी, जैकी, तूने बोला था ना कि तू अपने हाथों से मर जाएगा, अब खुद मरता है या मैं तुझे मारूं? मेरा खून अभी जिंदा है, वो आएगा, जरूर आएगा। चलो रे। कौन आना था? मेरे पिताजी के लिए मैं हूं, पिताजी काट डालो इसे। Oh!